आपने मेरा इस्तकबाल तो तालियों के साथ कर लिया है, लेकिन कोई चीज़ पसंद आए तो तालियां मत मारिएगा, क्योंकि उर्दू में कहावत है, जिसकी ताली पिट गई उसकी इज्जत उतर गई। हमारे यहाँ एक लफ्ज़ है वाह, बड़ा आसान लफ्ज़ है, वाह कह के अपनी दाद मुझ तक पहुँचाइएगा, ताली मत पीटिएगा मेरी, और सही जगह पे ताली बजाइएगा, सही जगह पे वाह कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी वैसी जगह वाह कह दी तो वो आह बन के मेरे दिल तक पहुँचेगी। हाजरीन इजाज़त दीजिए, बिस्मिल्लाह। तो कबीर, तुम कब के भय बैरागी, तुम्हारी सुरती कहां को लागी, कि बैचित्रा का मेला नाही, बैचित्रा का मेला नाही, ना ही गुरु ना ही चेला, सकल पसारा जिन दिन नाही, जिह दिन पुरुष अकेला, गोरख हम तब के अहें बैरागी, हमारी सुरती ब्रह्मा सो लागी, हमारी प्रीति ब्रह्मा सो लागी। तो हाजरीन ये सवाल पूछने वाले हैं गोरख, जो कि योग के महागुरु बनके गुरु गोरखनाथ कहलाए, और जवाब देने वाले हैं कबीर। तो एक बार हुआ क्या कि ये जानने के लिए कि कबीर किसके प्रेम में लीन है, गोरख पहुंचे गंगा किनारे और जाकर कबीर से बोले, कबीर चलो मुझे ढूंढ कर बताओ। और ये कहते ही गोरखनाथ ने एक मेढक का, एक डड्डू का रूप धारण कर लिया और गंगा में छलांग मार दी। कबीर ने एक हाथ जो गंगा में डाला, गोरख उनके हाथों में थे। अब कबीर गोरख से बोले, गोरख मुझे ढूंढ कर बताओ। और ये कहते ही कबीर ने गंगा में डुबकी मारी, गोरख उनके पीछे गए, यहां गए वहां गए, इधर ढूंढा उधर ढूंढा, थक के जब हार मान ली गोरख ने, तो कबीर उनके सामने आए और बोले कि उन्होंने गंगा की एक लहर का रूप धारण कर लिया था। ये थी कबीर की सुरती, ये था कबीर का प्रेम। तो सत्य सत्य प्रेम का भर भर प्याला, आप पिए मोहि प्यावे, पर्दा दूर करे अखियन का, ब्रह्मा दर्श दिखलावे। पर हाजरीन घर की मुर्गी दाल बराबर। कबीर के घर वाले जो थे वो खास तौर पे उन पे खुश नहीं थे, खास तौर पे उनकी अम्मा। मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि कबीर की अम्मा जो थी अपने बेटे से तंग आ चुकी थी। बोलती थी कि हम जुलाहे हैं, हमारा काम है कपड़े बुनना, कपड़े बुनकर अपनी रोजी रोटी कमाना, लेकिन ये लड़का लगता है सब धंधा वंदा छोड़ के जोगी बनने वाला है, दिन भर पता नहीं क्या बोलता रहता है। अब एक तरफ तो बेटे के साथ नहीं बनती थी, दूसरी तरफ कबीर की माँ की अपनी बहू से भी तू तू मैम चलती रहती थी। अब आप बताइए, ऐसे आलम में अगर इंसान अल्लाह का नाम नहीं लेगा तो और क्या करेगा। तो खैर, हाँ ये सही जगह थी वाह कहने के लिए। जब करीब 4 साल पहले मैंने भी अपनी नौकरी छोड़ी और सोचा कि अब तो बस दास्तानें सुनाएंगे, तो मेरी माँ लगी मुझे सुनाने कि इसमें ना कुछ नहीं रखा है, तूने अपना फ्यूचर बर्बाद कर लेना है, कब तू कोई ढंग का काम करेगा, कब तू कुछ, मत तेरे को अकल आएगी, कब 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 कब। तो मैंने अपनी माँ से वही कहा जो कबीर कहते थे, अपनी माँ से ही नहीं सबसे, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आए फल होए। मां बोली, देख बेटा ऐसा है, मुझे ना तेरी बहुत चिंता होती है, मैं तो तेरा भला चाहती हूं, तू बता दे तू क्या चाहता है। मैंने कहा, मां चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहों के शाह। माँ बोली, तो ये शायर जो थे इनको तो छूटती है तो कुछ भी बोलते रहते थे, तू जो है ना ये कबीर वबीर को भूल जा और अपने काम पर ध्यान दे। अब एक तरफ मेरी माँ मुझे कबीर को भुलवाने में लगी थी, और बचपन में स्कूल में हमें कबीर के कई दोहे पकड़ पकड़ के याद करवाए गए और कहा गया इसकी प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पर काश सिर्फ इतना बता देते कि कबीर की कविता में प्रसंग सिर्फ और सिर्फ प्रेम है, और उसका हर दोहा इसी प्रेम की व्याख्या। पर ऐसा ना हुआ,
और क्योंकि ऐसा ना हुआ इसलिए हाल बड़ा बुरा है। पर हाल चाहे जितना बुरा सही, कहानी चाहे जितनी अकथ सही, दास्तान सुनाती रही जाएगी। तो हाजरीन, पेश है दास्तान ढाई आखर की, के फरमाते हैं अशोक अंजुम। बड़ा बुरा है हाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल, अरे छेड़ो फिर सुरताल कबीरा, छेड़ो फिर सुरताल, अरे सच के हिस्से में है फाके, झूठ उड़ाए माल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल, हम मछली हर ओर मछेरे फैलाए हैं जाल, बचपन से हक मांग मांग कर पके हमारे बाल, अरे मीठी बाणी बोल रहे थे, मीठी बाणी बोल रहे थे, खिंची हमारी खाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल कबीरा, बड़ा बुरा है हाल। तो गुलगुना कशाने आरज़े शाहिदे बयान इस तरह फरमाते हैं कि असली कबीर की तलाश करना उतनी ही बड़ी अकलमंदी और बेवकूफ़ी का काम है जितना असली हिंदुस्तान और असली भारतीय संस्कृति की तलाश करना। कि आज तक हमने असली कबीर को या तो उनकी कहानी में ढूंढा है या फिर उनकी बानी में, पर हम ये भूल गए कि कबीर की कहानी में ही उनकी बानी है। मिसाल के तौर पर पहला सवाल ये उठता है कि कबीर कौन थे। मेरी बचपन की हिंदी की एक किताब थी बाल भारती, कक्षा दो में पढ़ता था, उसके पाठ तीन की आखिरी दो लाइनें मुझे आज तक याद हैं कि कबीर न हिंदू थे न मुसलमान, वास्तव में वे थे एक सच्चे इंसान। तो हाजरीन, हुआ क्या कि एक गांव में ना दो लड़कियां रहती थीं, एक का नाम था सत्य और एक का नाम था कहानी, दोनों बेहद खूबसूरत। पूरे गांव को फक्र था कि सत्य और कहानी इतनी खूबसूरत लड़कियां सहेलियों की तरह हमारे गांव में एक कुटिया में रहती हैं। अब एक दिन होता क्या है कि एक फकीर उस कुटिया के बाहर आते हैं और इन दोनों से कहते हैं कि मुझे थोड़ा खाना दे दो। दोनों लड़कियों ने खाना पकाया, थाली में सजाया, फकीर को खिलाया, फकीर ने भर पेट खाया और जाते जाते फकीर बोला, मैं आप लोगों को कुछ तोहफा देना चाहता हूं। फकीर ने अपने झोले में से एक आईना निकाला और सत्य और कहानी को पकड़ा दिया। अब जो उस आईने में सत्य ने अपना चेहरा देखा, बोली, हाय मेरे से ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर उसी आईने में कहानी ने अपना चेहरा देखा, बोली, हाय मेरे से ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। अब इन दोनों में बहस होने लगी, बहस जो है इस कगार पे पहुंच गई कि उसका कोई हल ही नहीं निकल रहा था। फिर इस पहेली को सुलझाने के लिए एक तरीका, एक तरकीब निकाली गई, वो ये कि गांव के बीचों बीच एक सड़क जाती थी। दोनों ने तय किया कि हम बारी बारी से उस सड़क पर चलकर जाएंगे, जो लड़की अपनी खूबसूरती से ज्यादा गांव वालों को अपनी तरफ खींचेगी वही ज्यादा खूबसूरत कहलाएगी। तो पहली बारी आई सत्य की, सत्य अपनी खूबसूरती पर इतराती गांव की तरफ चली। जैसे ही उसने गांव की सड़क पर कदम रखा, वो लोग जो खेतों में काम कर रहे थे, चाय की दुकान पे चुस्कियां ले रहे थे, गांव की चौपाल पे गप्पे हाँक रहे थे, सब काम छोड़ छाड़ के अपने घरों के अंदर जाने लगे। सत्य ने दो कदम आगे और बढ़ाए, लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां बंद कर ली। आधा रास्ता जो सत्य ने तय किया, उसे अंदाजा हुआ कि मैं तो यह मुकाबला हार जाऊंगी, मैं करूं तो क्या करूं। वहां कुछ देर ठहर कर, पलट कर, कुछ सोच कर सत्य ने अपने सारे कपड़े उतार डाले, इस उम्मीद से कि शायद उसे ऐसे बेलिबास देखकर वो लोग जो उससे दूर चले गए थे शायद उसके पास लौट आए। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जो इक्का दुक्का लोग बाहर थे वो भी अपने घरों को दौड़े और कस के दरवाजे बंद कर लिए। हैरान, परेशान सत्य अब वहां चली जहां कहानी खड़ी थी। कहानी ने अपनी सहेली को आते देखा, उसके पास गई और बोली, क्यों कैसी रही। सत्य ने किसी तरह अपना उतरा हुआ चेहरा संभाला और वो कोने में चली गई। कहानी मुस्कुराई
उसने अपने हाथ पांव महावर से रंगे, पोर पोर छल्ले पहने, लहंगा गिंगाम का पहना, चुनरी सुर्ख रंग ओढ़ी, सिंदूर मांग में भरा, पट्टियां पार के काजल आंखों में लगाया, बिंदिया और टीका माथे पे सजाया, कानों में झुमके और मुरकियां पहनी, हाथों में पहुंचियां, पाँव में कड़े, पैर की दसों उंगलियों में अनवट बिछवे पहनकर बोली, अब मेरी बारी। कहानी ने जैसे ही उस सड़क पे कदम रखा, बंद दरवाजों से लोग बाहर आने लगे, वो हंसने लगे, गुनगुनाने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे, और जहां जहां कहानी जाती उसके पीछे पीछे चलते, और जब उसकी सूरत देखते तो उसकी खूबसूरती में खो जाते। नतीजा साफ था, खूब वाहवाही बटोर के, जो कि आप लोग कम दे रहे हैं, कहानी वहां चली जहां सत्य खड़ी थी। सत्य कहानी के पास आई और बोली, कहानी तुम जीती मैं हारी। कहानी ने सत्य के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बात दरअसल बस इतनी है कि लोगों को सच देखने की आदत नहीं है, और नंगा सच तो बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर तुम अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना चाहती हो तो तुम्हें कहानी का हाथ थामना होगा, सत्य की खूबसूरती को कहानी की खूबसूरती में ढालना होगा। तो हाजरीन, इस बात पर बहस करना कि कबीर लुंगी पहनते थे या धोती पहनते थे बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि सच कपड़ों में नहीं नंगेपन में होता है। समझने की बात यह है कि जिस सच को कबीर ने कपड़े पहनाए उसका मकसद क्या था। मिसाल के तौर पर एक कहानी ये उठती है कि कबीर पैदा कैसे हुए, तो उसकी कहानी एक ये है कि भाई कबीर जो थे वो एक ब्राह्मणी के पेट में से जन्मे और एक मुसलमान जुलाहे के घर बड़े हुए। लेकिन उस कहानी का सत्य भी यही है कि जाहिदे तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं, देख ए चश्मे अदू मुझको हकारत से न देख कि जिस पे कुदरत को भी है नाज वो इंसान हूं मैं। आज इन कबीर करते क्या थे, जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि जुलाहे थे, कपड़े बुनकर अपना अपने घर वालों का पेट पाला करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कबीर जो है कपड़ा बुन रहे थे, बुनते बुनते कबीर बुनना भूल गए। किसी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपना काम कैसे भूल सकता है। तो कहानी को आगे बढ़ाना था, कहानी को खींचना था, तो कहा गया भाई कबीर जो थे वो राम नाम में ऐसे खोए कि अपना काम भूल गए। फिर सवाल उठा कि अगर गरीब आदमी अपना काम भूल जाएगा तो अपना अपने घर वालों का पेट कैसे पालेगा। पर वो ऊपर वाला है ना, वो तो उसकी भी मदद करता है जो उसमें नहीं मानता। कबीर तो उसके बहुत बड़े भक्त थे, तो वो ऊपर वाला नीचे आया और जिस कपड़े को बुनते 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 कबीर बुनना भूल गए थे, खुद उसने अपने हाथ से बुना। कबीर जिस अचंभे से बाहर निकले, वो जादुई कपड़ा अपने हाथ में लिया और बाजार को दौड़े। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उस दिन कबीर की दुकान पे जो भी खरीददार आता था उसके पास कबीर की कपड़े की लगाई कीमत से कम पैसे होते थे, या फिर 500,000 के नोट थे। नतीजा यह कि कपड़ा बिकता ही ना था। तो साहब खुदा ने सोचा कि मैं कबीर का इम्तिहान लूंगा। फकीर बन के आया, बोला मुझे थोड़ा सा कपड़ा दे दो। कबीर ने बिना सोचे बिना झिझके उस कपड़े के दो हिस्से किए और आधा हिस्सा आधा उस कपड़े का फकीर को दे दिया। लेकिन साहब वो दूसरा हिस्सा भी ना बिकता था। शाम हो चली, मायूस होकर कबीर बाजार के बाहर कदम रखने ही वाले थे कि बाजार के एक कोने से उनके कानों में उन्हीं की बानी सुनने में आई कि साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर उन अंधे गाने बजाने वालों के पास गए और वो कपड़े का दूसरा हिस्सा उन्हें दे आए। घर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि घर वाले तो भरपेट खा रहे हैं और घर में खूब सारा खाने पीने का सामान पड़ा हुआ है।
तो चाहे कहानी ये रही हो कि गरीबी मुफलसी कबीर को विरसे में मिली, उस कहानी का सत्य भी यही है कि कबीरा ये तन जात है, सको तो राखू बहोर के खाली हाथों वो गए जिनके लाख करोड़। कबीर रहते कहां थे? बनारस, काशी, वाराणसी, जहां के पंडितों का मानना था कि जो आदमी काशी में पैदा हो के काशी में मरता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उन्हीं पंडितों ने एक और ऐलान कर रखा था, पास में एक गांव था मगर जिसके बारे में नेताजी बोल के गए थे, अब तो उसके हिस्से में 30 करोड़ आ गए हैं मोदी जी की कृपा से, पर उस जमाने में पंडित जी का मानना था कि मगहर, जो आदमी मगहर में पैदा हो के मगहर में मरता है वो अगले जन्म में गधा पैदा होता है। तो साहब कबीर अपने आखिरी दिनों में जानबूझकर वाराणसी से मगहर चले गए और बोले कि हम तो हैं मगहर के बासी, तुम्हें मुबारक वाराणसी। लेकिन उस कहानी का सत्य भी यही है कि का काशी का ऊसर मगहर, राम हृदय बस मोरा, कि जो काशी तंत जय कबीरा, राम है कौन निहोरा। हाजिर हम लोगों के साथ दिक्कत बताऊं क्या है कि हम लोग कहानी को सत्य नहीं मानते, पर वो कहानी ही तो है जो आपके और मेरे सत्य को जोड़ती है, और वो सत्य ही तो है जो आपकी और मेरी कहानी को जोड़ता है। तो साहब अभी मैं कहानी को एक तरफ रखता हूं और बानी पे आता हूं। जब मैं इस दास्तान को तैयार करने की कोशिश कर रहा था, बड़े मैं एहसासे जिम्मेदारी से घिर गया कि इस उम्र में कबीर को छूना भी जुर्रत का काम है, तो मैं बड़े बुजुर्गों के पास गया, उनसे सलाह मशवरा कि भाई बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे दास्तान तैयार करूं। तो कोई बड़े आलिम थे, उन्होंने बोला फलानी फलानी किताब पढ़ लो। कुछ दोस्त थे कबीर के आशिक, बोले मैन यू हैव टू लिसन टू दैट फोक रेंडिशन, इट्स सो ऑसम। तो जब मैं पोथी पढ़ पढ़ मुआ होने वाला था, और यूट्यूब पर बेतहाशा बफरिंग के बाद मेरी समझ में आया कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि ना मैं टिप्पणियां, ना मैं बमनिया और ना मुख्तियार में, ना मैं टिप्पणियां, ना मैं बमनिया और ना मुख्तियार में, ना शबनम की डॉक्यूमेंट्री में, ना गंधर्व कुमार में, ना मैं वॉडविल, ना पुरुषोत्तम, ना ही अली सरदार में, खोजोगे तो तुरंत मिलूंगा पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। और पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो। मैं प्रेम प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, एक पल का जीना फिर तो है जाना, तोहफा क्या लेके जाइए दिल ये बताना। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के दो मीठे बोल झिलमिलाएंगे। तो हाजरीन मेरा फोक क्या है? मेरा फोक वो है जो चलती बस में एफएम रेडियो पर बजता है। लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि एक फोक पुण्य है और एक फोक पॉप है। पर दरिया की लहर तो दरिया है, दरिया और लहर में भिन्न कोयम, उठे तो नीर है बैठे तो नीर है, कहो जो दूसरा तो किस तरह होयम। कि नीर को फेर के नाम लहर धरा, लहर के कहे के नीर खोयम। तो अगर कबीर एक ब्रांड है, बन चुका है, यात्रा हो रही है उसके नाम पे, अगर कबीर एक ब्रांड है तो उस ब्रांड का नाम है मोहब्बत, जिसे कबीर इस शरीर के धनुष की प्रेम की डोरी से शब्द का तीर चलाकर दुनिया तक पहुंचाते हैं। इंट्रोडक्शन में एक बात, वो तिलिस्मी दास्तान अमीर हमजा की दास्तानों की बात कर रहे थे, उसमें क्या होता है दास्तान अमीर हमजा में कि सारी दास्तान एक तिलिस्म के आसपास घूमती है। आप लोगों ने तिलिस्म लफ्ज सुना है पहले कभी? तिलिस्म, तिलिस्म का मतलब होता है जादू या जादुई दुनिया।
और तिलिस्म में क्या होता है कि जो होता है ना वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो होता नहीं है। तो जैसा कि कबीर साहब ने कहा कि जो दीसे सो तो है ना ही, है सो कहा न जाई। कबीर इस दुनिया को एक तिलिस्म बताकर कहते हैं, कबीर कि जिसकी शायरी में कागज की लेखी नहीं अखियन की देखी है, वो कबीर कहता है कि ये तिलिस्म रूपी दुनिया के तीन हिस्से और मकाम हैं। पहला हिस्सा इस तिलिस्म का है तिलिस्म बहार, जहां तरह तरह के फूल हैं और इनकी खुशबुओं और रंगों में हम कैद हुए पड़े हैं। दूसरा हिस्सा इस तिलिस्म का है तिलिस्म जाहिर, जहां हम और आप रहते हैं और उस बाग की जिंदगी को अपनी सैर मानकर चार दिन गुजार देते हैं। और तीसरा हिस्सा उस तिलिस्म का है तिलिस्म बातिन, यानी वो हिस्सा जहां वो रहता है जो नजरों से छुपा है और जिसे हजार पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठकर ही देखा जा सकता है। और ऐसा होते ही ये तीनों हिस्से, ये तीनों मकाम एक हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह शहद में डूबी हुई मक्खी हिल नहीं सकती, उसी तरह खुदा में मस्त सूफी ये नहीं कह सकता कि मैं बंदा हूं, क्योंकि उसका ये कहना खुदा के वजूद के आगे अपने वजूद का ऐलान करना है। तो जब मैं था तब हरी नाही, अब हरी है मैं नाही, कि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाही। तो अगर ये दुनिया एक तिलिस्म है तो कबीर कौन है? तिलिस्म में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होता है जादूगर और एक होता है अय्यार। अब इनके पीछे का फिलोसॉफिकल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि जादूगर समझता है कि मैं कुछ भी क्रिएट कर सकता हूं, जबकि अय्यार जो है वो कहता है कि क्रिएटर तो सिर्फ एक लौता वाहिद खुदा है, इसलिए हर वो शख्स जो समझता है कि वो क्रिएटर है उसको जो है हम मात देकर इस दुनिया से साफ करेंगे, इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। तो सवाल ये उठा कि कबीर कौन है, कबीर क्या जादूगर है या कबीर अय्यार है? तो साहब ये हम लोगों की बदकिस्मती और कबीर की तौहीन है कि हम कबीर को उसकी शायरी में नहीं उसके चमत्कारों में ढूंढ रहे हैं। पर कबीर साहब तो खुद कह गए कि जंतर मंतर सब झूठ है, मत भरमो जग कोए कि सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। तो साहब कबीर तो एक अय्यार है जो अपनी जबान के दम पर जादूगरों को चकमा दिया करता है। तो क्योंकि कबीर सच की बात करते थे, उनकी बानी थी तो कड़वी, लेकिन जब प्रेम की मिठास उसमें घोल कर भक्ति से गाते थे तो पूरा का पूरा बनारस उन्हें सुनने को जमा हो जाता था। साहब अब होता क्या था कि थोड़ी बहुत बानी गाकर कबीर का दिल करता था कि वो थोड़ा ध्यान लगाया करें, लेकिन जब दिन ब दिन उनकी शोहरत बढ़ती गई, मतलब लोग जो है दूर दूर से, गांव गांव से, शहर शहर से उनको सुनने आने लगे, इतना शोर होने लगा, उन्हें ध्यान लगाने में मुश्किल होने लगी, तो कबीर ने कहा बेटा कोई अय्यारी करनी पड़ेगी, कोई फरेब देना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि मुझे इस शोहरत से छुटकारा पाना है। इस शोहरत से छुटकारा पाए बिना मैं ध्यान नहीं कर सकता, ध्यान मतलब मेडिटेशन जैसा नेताजी ने बताया। तो कबीर ने अय्यारी ये की कि साहब अगले दिन भड़कीले से कपड़े पहनकर सीधा पहुंचे बनारस के कोठे पर, बाल अपने घेर लिए थे। बनारस के कोठे में पहुंचकर कबीर ने एक तवाइफ की कमर में हाथ दिया, तवाइफ ने कबीर की गर्दन में हाथ दिया, और इस आलम में ये दोनों बनारस की गलियों में घूम रहे हैं। वो लोग जो कबीर की भक्ति को देखकर कबीर के भक्त हो गए थे, उनके दिल अफसुर्दगी से भर गए, उनकी आंखों में शर्म के आंसू आने लगे कि ये कबीर है। अब साहब कबीर के हाथ में एक लोटा था जिसमें था तो गंगा जल, लेकिन कबीर कुछ ज्यादा से घूंट ले रहे थे,
कि पूरे बनारस में खबर फैल गई कि कबीर शराब के नशे में धुत आवारागर्दी करता फिर रहा है। अब साहब कबीर ने मन ही मन कहा कि मेरी अय्यारी सक्सेसफुल हो गई है, मिशन कामयाब है, घर की तरफ चलते हैं। वापस जो घर की तरफ चले तो देखते क्या है कि रास्ते में एक पंडा था, उस पंडे के हाथ में एक मटका था। अब पंडे ने जो कबीर को इस हालत में वापस अपने घर को जाते देखा, चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहने लगा, देख लिया तुम सब लोगों ने, मैंने कहता था ये नीच जात का क्या हरी का नाम लेगा, 10 दिन में आ गया अपनी औकात पर, सरेआम नशे में चूर रंगरलिया मनाता फिर रहा है। ये कहना था कि उस पंडे के हाथ से वो मटका छूटा, उसमें चावल उबलने को रखे थे, उसका उबलता हुआ पानी पंडे के पैरों पर गिरा, पंडा दर्द के मारे चीखा और कबीर उसकी चीख सुनके हुए दौड़े और अपने हाथ में जो लोटा था उससे गंगा जल पंडे के पैरों पे छिड़का, पंडे को राहत मिली और अब वो पंडा कबीर के पैरों में गिर पड़ा। कि खसम न चीन्हे बावरी का करत बड़ाई, बातन लगन न होएंगे छोड़ो चतुराई, साखी शब्द संदेश पढ़ी मत भूलो भाई, कि सार प्रेम कछु और है खोजो सो पाई। तो साहब एक तरफ तो कबीर पूरी दुनिया को ठग रहे थे, लेकिन एक दिन दुनिया बनाने वाले ने सोचा कि आज मैं कबीर को ठगूंगा। तो भगवान इंद्र देवराज ने स्वर्ग लोक की सबसे खूबसूरत अप्सरा माया को बुलाया और कहा, माया इधर आओ, नीचे जाओ, कबीर को रिझाओ। अब साहब माया के हुस्न का मैं आप लोगों के सामने क्या बयान करूं कि इस कदर था सुहाना रूप उसका, इस कदर था सुहाना रूप उसका कि साया मांगती थी धूप उसका, इंसान तो क्या भगवान उसके मोह में गिरफ्तार। वो माया नीचे आई कबीर के पास जाके बोली, ए कबीर जरा आंखों से आंखें तो मिलाओ, कबीर मेरे पास तो आओ, मैं तुम्हें अपने आगोश में लेना चाहती हूं। कबीर ने माया की तरफ देखा और बोले, आग और पानी में रिश्ता नहीं हो सकता। माया बोली, कबीर लोग मुझे पाने के लिए जप करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ जाते हैं और मैं खुद अपने पैरों पर चल के तुम्हारे पास आई हूं। हां कबीर बोले, तुम्हारी आंखों में जहर भरा है लेकिन जिसने तुम्हें भेजा है मैंने भी उसके नाम का अमृत पिया है। अब सा माया झुंझला गई और बोली, कबीर कबीर देखो अगर तुम मुझे भोगोगे नहीं ना तुम्हारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। हां कबीर बोले, देखो बहन स्वर्ग लोक में ऐसा कौन सा दुख था जो कलियुगी दुनिया में आना पड़ा, तहां जाहूं जहां पाट पटंबर अगर चंदन घसी लीना, आए हमारे का करोगी हम तो जाति कमीना, कि माया महठगनी हम जानी। तो हाजरीन कबीर के पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री विग्री नहीं थी, उस आदमी के कहे हुए वो दोहे जो आज हम अपनी हिंदी की किताबों में पढ़ते हैं वो जबानी तौर पर वाचिक परंपरा से 500 साल चलकर हम तक और आप तक पहुंचे हैं। और इस अनपढ़ आदमी की शोहरत दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही थी और इस शोहरत से दो लोगों को बड़ी आपत्ति थी, बनारस का मुल्ला और वहां के जो पंडित जी थे। मुल्ला साहब जो थे मस्जिद के वो मकतब में पढ़ाया भी करते थे बच्चों को। अब जैसा कि आप लोग जानते होंगे जैसे अंग्रेजी में ए से शुरुआत होती है, हिंदी में अ से शुरुआत होती है, उर्दू में किससे होती है, अलिफ से, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं। तो मुल्ला ने सोचा मैं भी जरा कबीर की शोहरत को समझूं कि ये तो अनपढ़ आदमी है, मैं इतना बड़ा आलिम हूं, मैं इसको कायदा पढ़ाना से शुरू करता हूं। एक दिन कबीर जा रहे थे बाजार की तरफ, पीछे से मुल्ला साहब बोले, ए कबीर
बोल अलिफ। कबीर मुड़े और बोले, रास तो बरहक है। मुल्ला साहब ने कहा, मैं कह रहा हूं बोल अलिफ। कबीर बोले, रास तो बरहक है। मुल्ला साहब कह रहे कि मैं कह रहा हूं बोल अलिफ, तू कह रहा है रास तो बरहक है, क्या बात है, तू कैसा अहमक है। कबीर बोले, हुजूर जो आप कहते हैं मैं उसी का जवाब देता हूं, जो मैं समझता हूं वही खदमत आली में अर्ज करता हूं कि आप कहते हैं अलिफ, मैं कहता हूं रास तो बरहक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अलिफ जो है वो सीधा है, ऐसा होता है देखने में, अलिफ अलिफ जो है वो सीधा है, ऊपर वाले का रास्ता भी सीधा है। अलिफ का अदद एक है, जो अल्फाबेट होता है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो वो वन है अलिफ की। अलिफ का अदद एक है, सबका मालिक भी एक है। अगर मैं कुछ गलत कहता हूं तो आप तादीब और तंबीह फरमाइए, मुझे कायल कीजिए, भला किसी तौर पे समझाइए कि क्या खुदा वाहिद नहीं है, क्या कोई और भी है जो उससे शिरकत रखता है, क्या कोई और भी है जो शान वहदानियत रखता है। कि रसमंद मंदिर बाजता बाहर सुने तो क्या हुआ, एक प्रेम रस चाखा नहीं अमली हुआ तो क्या हुआ। काजी किताबें खोजता देता नसीहत और को महरम नहीं, उस हाल से काजी हुआ तो क्या हुआ। ये कहकर कबीर आगे बढ़े। रास्ते में पंडित जी का घर पड़ता था। पंडित जी ने कहा था, कबीर घर आना, चटाई वगैरह बनवानी है, नाप ले जाना। जैसे ही पंडित जी के घर के अंदर कबीर ने गर्दन डाली, देखते क्या है कि पूरे कमरे में किताबें ही किताबें फैली हैं, यहां किताब वहां किताब इधर किताब उधर किताब, पंडित जी के हाथ में भी एक किताब। न जाने कबीर के मन में क्या आया, कबीर ने ऐसे ही पूछ लिया, पंडित जी क्या पढ़ा रहे हैं। अब पंडित जी क्योंकि जानते थे कबीर अनपढ़ है, बोले तुम्हारे समझने की बात नहीं है। ये सुनकर कबीर ने उस कमरे में पड़ी तमाम किताबों पर एक नजर जो डाली, वो सारी किताबें जल गईं। वो किताब जो पंडित जी हाथ में लिए पढ़ रहे थे, अब उनके हाथ में राख बची थी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घबरा कर कबीर से पूछने लगे, कबीर ये क्या हुआ। कबीर बोले, पंडित जी आपके समझने की बात नहीं है कि पंडा डंडा लेकर खोजियो बड़ बोलो बकवासी, पंडा डंडा लेकर खोजियो बड़ बोलो बकवासी, मुल्ला खोजियो कहां गया कबीरा कर हमरी हांसी, ना राजा था ना जोधा था ना था ज्ञानी ध्यानी, सौ की एक बात कह देता वो अनपढ़ अज्ञानी, वो अनपढ़ अज्ञानी। कबीर कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं, मेरे पास जो भी ज्ञान है वो मेरे अंदर है और मैं जाहिल ही अच्छा। तो हाजरीन फिर सवाल ये उठता है कि 500 साल बाद यहां बीकानेर में राजस्थान कबीर यात्रा की हो रही है, ऐसा अनपढ़ ने ऐसा किया क्या। कबीर ने शायरी की, और ऐसी शायरी कि जिसका लोहा इस मुल्क की दो अजीम तरीन शख्सियतों ने माना है, वो भी हरदिल अजीज थे। और वो दो शख्सियतें थीं, एक तो खुद महात्मा थे बापू। बापू को कहते हैं कि कबीर अपनी माँ के दूध में मिले थे। बापू की जो माँ थी वो कबीर पंथियों की एक धारा से आती थी, और बापू ने कहा, माई लाइफ इज माई मैसेज। उस पूरी लाइफ और पूरे मैसेज को उठाकर देख लीजिए, चाहे प्रेम की बात हो या अहिंसा की या बराबरी की या सच की, वो जिंदगी सीधी की सीधी कबीर की शायरी से मुतासिर नजर आती है। और क्योंकि आप लोग ग्रोनअप्स हैं तो जान लीजिए कि कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में 21 बार कबीर का नाम लेते हैं बापू। दूसरे थे गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, हिंदुस्तान का एक लौता नोबेल लिटरेचर लॉरिएट। वो कह रहा है कि अगर इंडियन लिटरेचर हिंदुस्तानी अदब की कोई कामयाबी है तो वो है कबीर। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि इतने सारे शायरों में से आपने कबीर की ही शायरी का तर्जुमा ट्रांसलेशन को क्यों चुना, तो उनका जवाब था कि कबीर
अशोक और अकबर की तरह उन हिंदुस्तानियों में से थे जिन्होंने हमारी इंसानियत और प्रेम की साझा धरोहर पे जोर दिया। तो समझ और देख कि समझ देख मनमीत पियरवा, प्रेमी होकर सोना क्या रे, पाजो लिया तो दे भी प्यारे, पाजो लिया फिर खोना क्या रे, कि जब अखियन में नींद घनेरी तकिया और बिछौना क्या रे, जब अखियन में नींद घनेरी तकिया और बिछौना क्या रे। तो जहां कृष्ण की भक्ति के लिए ब्रजभाषा का इस्तेमाल हुआ और राम की भक्ति के लिए अवधी का, इस अनपढ़ ने अपनी बात अपनी बोली में बैठाई, जिसे खड़ी बोली भी कहा जाता है। तो कबीरा, कबीरा तन्हा है बहुत और इर्द गिर्द है भीड़, कबीरा तन्हा है बहुत और इर्द गिर्द है भीड़, दोहे थोड़े रूढ़ी है पर तनी हुई है रीढ़। कबीर की मूरत के आसपास भीड़ जमा थी, हर कोई चिल्ला रहा था मैं हूं कबीर का असली वारिस, कबीर तो सच का मसीहा थे। दूसरा बोला मैं कबीर का असली वारिस हूं, कबीर मेरा कल थे, कबीर मेरा आज है, कबीर मेरा आने वाला कल है। तीसरा बोला हटो हटो हटो, मैं इसके लिए फंड दूंगा, कबीर बहुत बड़े आदमी थे। ये सुनकर कबीर की मूरत मुस्कुराई और मुस्कुराते मुस्कुराते खुद कबीर में तब्दील हो गई। कबीर सामने आया और भीड़ से बोला मेरे प्यारे वारिसों, तब तो मैं अकेला था, आज तो तुम सब मेरे साथ हो, मेरे नाम पे यात्रा कर रहे हो, तो चलो चलो मेरे साथ चलो, अपने हाथों में मशालें उठा लो और अपने घरों को फूंक डालो। ये सुनकर भीड़ छटने लगी, नेताजी भी घर चले गए। भीड़ इतनी छटी कि कबीर फिर से निपट अकेला रह गया और मुस्कुराते मुस्कुराते फिर से कबीर की मूरत में तब्दील हो गया। तो हाजरीन, कबीर तो एक सवाल है जो आपको और मुझको अपने आप से पूछना है, और ये सवाल पूछने की यात्रा सिर्फ 6 दिन की नहीं है, ये जिंदगी भर की है और शायद उसके बाद भी। तो 40 मिनट में मैं आपको कबीर की दास्तान सुना दूं मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि कबीर सिर्फ एक शायर नहीं था, कबीर एक आशिक था, और जिस किसी ने उसकी शायरी से या उसके इश्क से आशिकी की है उसके पास कबीर की अपनी एक दास्तान है, और पिछले 500 सालों में ऐसी हजारों दास्तानें सुनाई जा चुकी हैं। मैं तो आपसे बस इतना कहूंगा कि तलब मौत की करना गुनाहे कबीरा है, तलब मौत की करना गुनाहे कबीरा है, मरने का शौक है तो आ तुझे इश्क की तालीम दूं। तो जन्म मिला ढाई आखर का, जन्म ज आधा न और फिर म, जन्म मिला ढाई आखर का, प्रेम किया ढाई आखर का, जन्म गवाया प्रेम न पाया, सत्य मिला ढाई आखर का, सत्य मिला ढाई आखर का, सत्य मिला ढाई आखर का। बहुत 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 शुक्रिया।